यू आर अगेन वेलकम ऑन केपीए टू मैथमेटिक्स। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था घातांक और घातांकों के नियम। आज रेशनलाइजेशन नेक्स्ट चैप्टर है, थर्ड चैप्टर परिमेयीकरण। नंबर वन करणी। करणी कहते हैं सर्स या रेडिकल्स। करणी क्या है? सीधे नंबर अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव, ये क्या है? कुछ जो नंबर्स हैं इनके स्क्वायर रूट है, परिमेय संख्याओं के वर्गमूल है। और क्यूब रूट थ्री, क्यूब रूट फाइव, क्यूब रूट सेवन, ये परिमेय संख्याओं के घनमूल है। लेकिन ये इनको किसी के स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते हो और इन नंबर को किसी के क्यूब के रूप में नहीं लिख सकते हो। इस प्रकार के नंबर्स जो है वो है अपरिमेय, जिसको कहते हो इरेशनल। ये इरेशनल नंबर्स हैं। तो सपोज करिए ए, ये है पॉजिटिव रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। एंड एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ये धनात्मक पूर्णांक इंटीजर। आप लिखोगे एनथ रूट ए, दिस एनथ रूट ए को करणी या सर्ड कहते हैं। दिस इज सर्ड ऑफ ऑर्डर एन, ऑर्डर बाद में पढ़ेंगे, ये करणी है। नंबर दो है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ सर्ड, जिसको कहते हो कोटि, करणी की कोटि। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहीं पे लिखा है एनथ रूट ए इस करणी की कोटि एन है। एग्जाम्पल यहां लिख दें क्यूब रूट थ्री। तो ऑर्डर ऑफ दिस, ऑर्डर मीन कोटि, दिस करणी का, इस सरण का ऑर्डर इज थ्री। दिस इज क्यूब रूट, दिस इज एनथ रूट, सो दिस इज ऑर्डर ऑफ सरण। एंड नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू ऑर्डर करणी अलग अलग प्रकार की होती है। नंबर वन द्वि घात करणी, जिसको कहोगे क्वाड्रेटिक सर्ड, क्वाड्रेटिक सर्ड जिसका ऑर्डर टू, जिस करणी का ऑर्डर हो टू, उसको कहते हैं द्विघात करणी। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट टू, फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट थ्री, ये करणी ऑर्डर टू है। घात करणी, त्रि घात करणी, इसको कहोगे क्यूबिक सर्ड, क्यूबिक सर्ड। देखिए क्यूब रूट ऑफ थ्री आर क्यूब रूट ऑफ फाइव, ये क्या है? इनका ऑर्डर है थ्री। तो ऑर्डर थ्री की जो करणी है उनको कहते हैं त्रिघात करणी, क्यूबिक सर्ड। और नेक्स्ट है चतुर्थ घात करणी, इसको कहेंगे पाई क्वाड्रेटिक सर्ड, बाई क्वाड्रेटिक सर्ड। फॉर एग्जाम्पल जिसका ऑर्डर हो फोर, यानी फोर्थ रूट की जो है वो है चतुर्थ घात करणी बाय क्वाड्रेटिक, फोर्थ रूट टू, फोर्थ रूट फाइव एंड फोर्थ रूट सिक्स, दीज आर बाई क्वाड्रेटिक।
अरिथमेटिक सर्ट्स यानी जिनका ऑर्डर है 4। नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट लॉस, सम इंपॉर्टेंट लॉस कुछ नियम है, और जैसा आपने घातांकों के नियम में पढ़ा था कुछ उसी प्रकार के नियम ये भी है। नंबर 1, अंडर रूट ए स्क्वायर इज ए। नंबर 2, रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ठीक है, सेम ऑर्डर है, जैसे सेम घात होती थी तो एक घात वही लग जाती थी, उसी प्रकार का है। थर्ड इज अंडर रूट ए अपान अंडर रूट बी, अगर ऑर्डर सेम है तो अंडर रूट ए अपान बी हो जाएगा। एंड फोर्थ इज अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर के हिसाब से दिस इज ए माइनस बी। फिफ्थ है ए प्लस अंडर रूट बी इंटू ए माइनस अंडर रूट बी दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। और सिक्स्थ है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होल स्क्वायर, ये सर्व समीका पहले पढ़ चुके हो, ए प्लस बी होल स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर ए प्लस टू अंडर रूट ए बी प्लस बी, और ये माइनस वाली अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस टू अंडर रूट ए बी प्लस बी। एंड एट्थ इज nth रूट ए इंटू nth रूट बी इज इक्वल टू, ऑर्डर सेम है तो ऑर्डर एक बार लिखिए और करणी चिन्ह के अंदर लिखिए ए बी गुणे, और इसी तरह से भाग में भी है nth रूट ए डिवाइड बाई nth रूट बी दिस इज इक्वल टू nth रूट एक बार में लिखिए और दिस इज ए अपॉन बी। इसके बाद किसी करणी को सरलतम रूप में अगर लिखना है, सरलतम रूप में करणी यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में सिंपलीफाई करके अगर लिखना है तो उसके लिए कुछ रूल है। नंबर 1 है करणी चिन्ह के अंदर कोई भिन्न नहीं होनी चाहिए, जैसे लिखा है क्यूब रूट के अंदर 7/5 तो ये चीज नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस चिन्ह के अंदर ये भिन्न है, इसलिए ये सरलतम रूप में नहीं लिखा हुआ है, तो इसको भिन्न नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है करणी का ऑर्डर जो है वो न्यूनतम हो, ऑर्डर जैसे 3A ऑर्डर ऑफ है इस करणी का तो वो न्यूनतम लिखा हो। फॉर एग्जाम्पल लिखा है एट रूट 81, अब जरा इसको देखिए एट रूट और ये 81 क्या है 3^4, अब इसमें क्या संभव है कि ये 4 से ये 8 डिवाइड होगा यानी ये 3/4/8 तो क्या हो गया 3/1/2 यानी दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 3, तो ये जो लिखा था यह भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में यह है। और थर्ड है करणी चिन्ह के अंदर परमेय संख्या n का n ऑर्डर का कोई घात नहीं होना चाहिए, जैसे 4√3×5/4, अब ये 5 में पावर 4 और ये करनी है आप ऑर्डर 4, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका घटक कोई भी यहाँ मिल जाए तो यह भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ऐसा नहीं है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करनी लिखने के लिए ये चीज ध्यान रखते हैं।
एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। सॉल्यूशन 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। अभी नियम बताया है a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी दिस इज 3 स्क्वायर माइनस दिस 3, सो दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 3 दैट इज 6। और इसी का 12th क्वेश्चन है, इसमें भी फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, और सॉल्यूशन में रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये रूल भी आपने लिखा है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस ए प्लस 2 अंडर रूट 5 इंटू 2 प्लस दिस 2, सो दिस इज इक्वल टू 7 प्लस 2 रूट 10। ये हो गया आंसर।